अब हम देखेंगे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो पॉइंट्स कवर करता है वो इस चैप्टर में वो कौन से हैं, अबाउट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड दी सेकेंडरी मेमोरी। सो लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज अस। हेलो चिल्ड्रन, डू वी ऑल हैव अ मेमोरी? इफ़ यस, कैन यू टेल विच टाइप ऑफ मेमोरी वी हैव, the permanent or a temporary one? Everybody has a different capacity and speed of memory. Let's talk about the computer's memory. Before this, I will tell you the what's memories. अब देखिए, अब ये कंप्यूटर क्या कह रहा है कि आपको पता है मेमोरी क्या होती है, आपके पास मेमोरी है तो कौन सी है और किस टाइप की है, उसकी बेसिकली क्या है। हर किसी के पास मेमोरी है और उसकी अपनी डिफरेंट कैपेसिटी और स्पीड है। तो हम आज हम जो है किसकी मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर की मेमोरी की। और इस कंप्यूटर की मेमोरी में जो है कुछ चीज़ें आज वो बताने वाला है। तो सबसे पहले वो ये बताएगा कि मेमोरी होती क्या है। अबाउट मेमोरी, मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द स्टोरेज एरिया वेयर अ डेटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड आइदर परमानेंटली और टेम्पररीली। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली अ कोडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, लेटर, वर्ड्स, ETC, विच इज़ कॉल्ड एज अ बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। दिस कोड्स आर डन बाई यूजिंग ओनली 0 and 1। देखिए जो कंप्यूटर है वो बेसिकली क्या है, देखिए कंप्यूटर का जो स्टोरेज मेमोरी एक तरह से हम जो डिफाइन करें तो हम उसे एक स्टोरेज एरिया बोल सकते हैं, राइट, जो कि डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली भी और टेम्पररी भी। कंप्यूटर जो है जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस कोड को समझता है, वो उसे नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, जिसे हम बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और ये कोड्स जो हैं यूजिंग 0 and 1 पुट किया जाता है। एज ह्यूमन मेमोरी इज़ कम्पोज ऑफ सेल्स कॉल्ड अ न्यूरॉन्स। अगर हम ह्यूमन मेमोरी की बात करें तो ये किससे बने हुए हैं, इसके सेल्स एज अ न्यूरॉन्स से बने हुए हैं। बेसिकली जो सेल्स से बना है उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ये भी एक सेल से ही बनी हुई है। हियर ईच सेल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग अ 1 bit ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 bit ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो कि बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। यानी इसे 1 bit ऑफ बाइनरी नंबर से इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है डिफाइन किया गया है। इन कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन अ बाइट, और वी कैन से द मेजरिंग यूनिट ऑफ द मेमोरी इज बाइट। अब देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जो मेमोरी रिप्रेजेंटेड की जा रही है उसे बाइट्स के फॉर्म में की जा रही है, और ये इसकी क्या है, मेमोरी यूनिट भी है। अब देखिए यहाँ पे गुट्टू ने बताया गया जिसकी द मोस्ट कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ KB है, MB है, देन GB है विच इज़ अ जीगा बाइट। सो 1 KB विच मीन्स 1024 byte, ओके, 1 MB मीन्स 1024 KB, 1 GB मीन्स 1024 MB, ओके। सो नाउ वी आर गोना सी टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर इन दिस। So there is a 2 types of memory. First one is primary or internal memory, and the second one is secondary or external memory. Primary memory, it is used to hold the information processed or instruction for processing the data, which is, it is of 2 types. First one is RAM and the second one is ROM. Okay. So primary memory में basically जो है क्या है, हम दो तरह की उसमें टाइप हैं, एक है RAM दूसरी है ROM। तो फर्स्ट हम देखेंगे RAM। RAM विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ अ टेम्प्ररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी जो RAM है वो क्या है, ये टेम्प्ररी मेमोरी है, जिसे हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन और डेटा कैन बी रीड एंड रिटर्न, जिसमें जो है क्या है, हम डेटा को रीड और रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर गलती से ऑफ हो जाता है या लाइट कनेक्शन ऑफ होता है, तो इस स्टेज में जो भी स्टोर किया गया इस डेटा रैम मेमोरी में स्टोर किया गया, ये क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। इट इज़ द मेन मेमोरी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द रीड एंड राइट मेमोरी। इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ROM। सो ROM इज़ ऑल्सो नोन एज द रीड ओनली मेमोरी। ROM स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी, नीदर द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड नॉर एनी फ्रेश इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटर्न इन द ROM। अब देखिए ROM में जो डेटा है उसको ना तो हम बदल सकते हैं, ना ही उसमें कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। इट इज़ एन अनचेंजेबल फॉर्म। सो इसमें जो डेटा प्रेजेंट है उसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन डेटा
कैन ओनली बी रीड द डेटा कैन नॉट बी लॉस्ट और डिलीटेड व्हेन द स्विच ऑफ द कंप्यूटर. और बेसिकली इसमें जो डेटा स्टोर होता है ये स्विच ऑफ करने के बाद भी ये डेटा उड़ता नहीं है, ये उसमें सेव होता है परमानेंटली. अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी. देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल शो किया गया है क्रॉस द ऑड वन आउट. अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, पेन ड्राइव है, ये तीनों क्या हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं. और सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग मशीन है. सो ऑड वन आउट अगर हमें करना हो तो हम किसे करेंगे, फर्स्ट वाली को. सेकेंडरी मेमोरी, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रैम सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड. इट रिटेन्स एंड स्टोर द डेटा इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर. अब देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें जो भी चीज़ें हम रखते हैं बेसिकली अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो गया तो भी हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी परमिट द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये क्या करता है, परमिट करता है जो भी डेटा हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको परमानेंटली उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग अ डेटा. और ये जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है. प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, मतलब यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी हम उसे भेज सकते हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर, मतलब दूसरी तरह की और भी जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जांपल्स हैं वो बताए गए हैं. पहला हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम एंड डीवीडी, ये सारे क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं. अब हम देखेंगे हार्ड डिस्क. सो चलिए देखते हैं. हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर एंड इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच द डेटा कैन बी स्टोर्ड. इनसाइड द हार्ड डिस्क अ सर्कुलर डिस्क इज प्रेजेंट विच इज़ मेड अप ऑफ अ पॉलिश्ड स्टील. द हार्ड डिस्क इज अ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ द डिस्क विच आर नोन एज द नेन एज प्लेटर्स. अब देखिए जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है. इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है. ये क्या होता है, इस एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं. और इसके साथ साथ इसमें एक सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि काफ़ी पॉलिश स्टील से बनी होती है. इसके साथ साथ इसका जो हार्ड डिस्क है वो जो मेडअप ऑफ है उसके कलेक्शंस को, उस डिस्क के कलेक्शन को हम नोन जानते हैं एज अ प्लेटर्स. द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क. और जो कंप्यूटर है बेसिकली वो अपना काम करना शुरू कर देता है जैसे ही वो रीड कर लेता है इन्फॉर्मेशन को हार्ड डिस्क से. ओके अब हम देखेंगे सेकेंड वन विच इज़ अ फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क स्टोर्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. देखिए बाजू में जो है इमेज शो की गई ये फ्लॉपी डिस्क की है. ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करता है, ये काफ़ी छोटा अमाउंट ऑफ स्टोरेज डेटा को जो है वो स्टोर करता है. इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. और ये जो है एक डेटा को दूसरे डेटा कंप्यूटर में बेसिकली ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है डेटा का. इट ऑल्सो यूज इन द स्टोरिंग फाइल्स और डेटा इन अ सेफ प्लेस. इसके साथ साथ जो है कई तरह की फाइल्स जो है उसे स्टोर करने के लिए या सेफ प्लेस पे रखने के लिए इसे क्या है यूज़ किया जाता है. फ्लॉपी इज़ इंसर्टेड इन द फ्लॉपी ड्राइव. फ्लॉपी जो है वो फ्लॉपी ड्राइव में ही इंसर्ट की जाती है. नाउ अडेज फ्लॉपीज आर नॉट मच इन यूज़. इन फैक्ट इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय सीडी एंड डीवीडीज. और अब के टाइम की अगर हम बात करें तो जो फ्लॉपी डिस्क है उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है. अब जो है ज़्यादातर बेसिकली सीडी और डीवीडी का यूज़ किया जाता है. फ्लॉपी डिस्क जो है ये अवेलेबल है दो साइजेस में. पहला है 3.5 इंचेस का और दूसरा है 5.25 इंचेस का साइज़ में रिस्पेक्टिवली. एंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच डिस्क इज़ अ 1.44 MB. अगर स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात करें तो 3.5 इंच डिस्क की जो है वो 1.44 MB है एंड 5.25 इंच डिस्क की जो है वो स्टोर अप कैपेसिटी कितनी है 1.2 MB ये है. अब हम देखेंगे पेन ड्राइव. दिस इज़ अ स्मॉल डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा और फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पेन ड्राइव इज़ दैट वी कैन कैरी आर डेटा एंड इम्पॉर्टेंट फाइल्स इन इट एनी वेयर. अब देखिए ये जो है एक स्मॉल डिवाइस है, इसमें जो है डेटा को स्टोर किया जाता है किसी भी या किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए. इसका एक मोस्ट ये बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पेन ड्राइव का कि हम इसे अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, किसी भी फाइल को कहीं भी इम्पोर्टेंट फाइल्स को जो है हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी स्मॉल रिमूवेबल रीडेबल एंड द लाइट वेट स्टोरेज. ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसे हम निकाल भी सकते हैं उससे. और ये रीडेबल है, मतलब एक बार डेटा हमने जो इसमें पुट किया उसे डिलीट करके वापस कुछ नया डेटा हम उसमें डाल सकते हैं. तो और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड स्टोरेज भी है.
इट कम्स इन अ वेरियस कैपेसिटीज रेंजिंग फ्रॉम अ 512 MB टू द 32 GB। और ये जो है किसकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती है, 512 MB से लेके 32 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब हम देखेंगे CD-ROM। इट इज़ अ वेरी यूजफुल इन्वेंशन एज अ स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। CD-ROM stands for the compact disc read only memory। अब जो CD-ROM है वो क्या है, एक ये भी स्टोरेज डिवाइस ही है, और CD-ROM जो है वो स्टैंड करता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के लिए। इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, इसका जो है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है। एक मेजर एडवांटेज जो है इसका वो क्या है, इसकी पोर्टेबिलिटी। वी कैन स्टोर एंड ट्रांसफ़र डेटा बाय द हेल्प ऑफ CD। हम जो है डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र कर सकते हैं CD की हेल्प से। CD-ROM आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। जो CD-ROM है बेसिकली ये दो फॉर्म में अवेलेबल है। पहला है CDR, विच इट स्टैंड्स फॉर CD रिकॉर्डेबल। इन दिस द डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस एंड लेटर इट कैन ओनली बी रीड। यानी CDR जो है इसमें बेसिकली आप डेटा एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। CDRW जो है ये क्या है, इट स्टैंड्स फॉर CD रीरीडेबल। मतलब इसमें एक बार जो डेटा लिखा गया है उसमें बार बार लिखा जा सकता है, उसे आप इरेज भी कर सकते हैं। सो इसी इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इरेजेबल CD। CD-ROM ड्राइव, दिस ड्राइव इज नीडेड टू रीड अ CD-ROM एंड CD राइटर। इट इज़ अ इनबिल्ट इन दिस CD-ROM ड्राइव। इट कैन राइट और ब्लैंक CD। सो ये जो है ब्लैंक CD पे राइट भी कर सकती है, बट कैन नॉट इरेज और रीराइट ऑन इट। ये पर इरेज या फिर रीराइट नहीं कर सकती। CDRW ड्राइव जो है वो क्या करती है, इट कैन राइट ऑन बोथ नॉर्मल CD एंड CDRW एंड इट कैन इरेज एंड मॉडिफाई द डेटा ऑल्सो। ये इरेज और मॉडिफाई भी कर सकती है। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो है आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, मेमोरी के बारे में बताया गया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।